वेलकम दोस्तों, मैं हूं माही शर्मा और स्वागत है आपका जीएनए न्यूज में। किस्मत जनता को हार्दिक बधाई देती हूँ कि उनके सहयोग से मैं ये चुनाव जीती हूँ और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं ये चुनाव जीती हूँ। पूरी कप्तानगंज के विकास में मैं कोई भी कसर कमी नहीं रखूँगी जी। और ये मेरी जीत नहीं है बल्कि कप्तानगंज की पूरी जनता की जीत। नगर पालिका को स्वर्णिम विकास के लिए हमारा प्रथम प्राथमिकता होगी, क्योंकि जो नए नगर पालिका बने हैं इसमें दूर दराज के गांव को लिया गया है। मेरा सबसे पहले प्राथमिकता उसका स्वर्णिम विकास, चतुर्मुखी विकास कराना ही होगा। पंचायत जब तक नगर पंचायत रहा है उसमें बहुत ऐसे कार्य हैं, जैसे रामकोला, कप्तानगंज, कसियां, हर जगह आवास उपलब्ध हो गए गरीबों को। हाटा नगर में आवास, शौचालय की कोई उपलब्धता नहीं रही। यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। 6 महीना सबसे पहले मैं राशन कार्ड, टूटे हुए नाली, खड़ंजे सड़क का ही निर्माण कराना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। उनको दोषी करके जेल भिजवाएंगे? ना, हम दोषी करके किसी को जेल भिजवाएंगे। मैं अपना स्वच्छ काम करूंगा और जितना अवैध निर्माण हुआ होगा उसको मैं ध्वस्त करते हुए और सच्ची श्रद्धा से विकास करूंगा। आप बड़े बड़े पुरोधाओं को पराजित किए हैं, इसके पीछे सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? मैं अपने प्रिय नेता राजेश प्रताप राव बंटी भैया को दे रहा हूँ। के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। पूर्ण की जनता जिस ईमानदारी से विकास के साथ दिया है, मोदी जी का साथ दिया है, योगी जी का साथ दिया है, स्वामी प्रसाद बोरा का साथ दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये कह देना चाहता हूं, जो आपने बहादुरी दिखाई है, मैं कहना चाहता हूं नगर पालिका परिषद में मन चाहा विकास होगा। जो आप चाहोगे वो सारे के सारे विकास होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं विनय जायसवाल जी से इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो जरूरत की विकास योजनाएं हो उसको तैयार करके अनुमानित धन क्या रहा है इसका प्रस्ताव आप तैयार कराएं। जो भी प्रस्ताव नगर पालिका परिषद के विकास के लिए जाएगा बिना किसी कटौती के, पूरा का पूरा पैसा इस नगर पालिका परिषद कोरोना में आएगा। साथियों, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने बताया है, क्योंकि अगर विनय जायसवाल की हार होती तो हार वो विनय जायसवाल की नहीं होती, हार वो स्वामी प्रसाद मौर्य की होती। आपने मेरे सम्मान में 4 चांद लगाया है विनय जायसवाल जी को जिता करके। और साथियों, लालटेन वाले जो चीज बड़ी आप देख रहे हैं, इसका मुझे ऑर्डर तो नहीं मिला लेकिन सेल हो रही है।